वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। मैं हूँ इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेस्ट पेट शॉप में। यह है ड्रोगो पेट्स, जो है लोकेटेड अपोजिट टू पवई लेक, नेक्स्ट टू मिनी पंजाब JVLR पर। सो बहुत से लोगों ने, लिटरली बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि ड्रोगो पेट्स का फिल्ट्रेशन सिस्टम देखना है। सो फाइनली आपका मनपसंद फेवरेट टॉपिक के ऊपर हम लोग आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो अब हमारे साथ है ड्रोगो पेट्स के ओनर एंड डायरेक्टर मिस्टर शायान अशरफ। हाय शायान सर, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट एंड वंस अगेन इट्स अमेजिंग हैविंग यू बैक हियर एसजी। वी रियली मिस यू हियर। सेम हियर सर। लास्ट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो हमने बनाया एक्सोलॉटल्स पर, बेहद खूबसूरती से, बेहद खूबसूरत ढंग से आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी। एंड जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि YouTube इंडिया पर आज तक एक्सोलॉटल्स पर इतना ऑसम वीडियो, अमेजिंग वीडियो, इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज तक नहीं था। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू इतनी सारी जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का इतना अच्छा मौका दिया। सो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हमको। एंड मुझे याद है कि जितने भी वीडियोस में बनाता गया, देर वॉज वन कमेंट जो हमेशा लिखते थे कि ड्रोगो पेट्स की फिल्ट्रेशन पर वीडियो बनाइए, फिल्ट्रेशन सिस्टम पर वीडियो बनाइए। सो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड वही नहीं, बहुत सारे लोग उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि ड्रोगो पेट्स की फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते थे, कैसे किया है, कैसे बनाया है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज फाइनली हम फिल्ट्रेशन पर वीडियो बना रहे हैं? जी देखिए, जैसे भी वी कैन हेल्प आउट, चाहे वो हॉबीज़ को हेल्प करें या दूसरे फिश शॉप कीपर्स को हेल्प करें, अल्टीमेट गोल है कि अगर जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ एक्वाटिक पेट्स इन जनरल, तो गोल्डन रूल इज़ वाटर पैरामीटर। अगर आपका पानी साफ है, उसमें क्लोरीन नहीं है, मेटल्स कम है, यू नो अमोनिया नाइट्रेट लेवल्स कम है, बेसिकली फिल्ट्रेशन अगर आपका अच्छा है तो पेट्स आपके हेल्दी रहेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आर एम अगेन वंस अगेन इज़ जितना इन्फॉर्मेशनल हम लोग बना सकें कि हॉबीज़ भी हेल्प हों, जो फिश स्टोर वाले हैं या जैसे भी हैं यू नो इस हॉबी में जो भी लेवल पे हैं, तो अगर हम लोग साथ में इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करें एंड जैसे भी हो हम लोग हेल्प करें। ये काफ़ी टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि वी आर गेटिंग दिस चांस कि वी कैन कम्प्लीटली गो इन डेप्थ एंड अंडरस्टैंड द फिल्ट्रेशन सिस्टम। Some filtrations versus canister filtrations versus hang-on back filtrations versus all the different types of filter media. हम लोग सब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ कहना था कि टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ द फिल्ट्रेशन सिस्टम जो आपको हेल्प कर सकता है, बट उसके अलावा भी मैं ये स्टेट करना चाहता हूँ कि वी ऑल्सो प्रोवाइड AMC सर्विसेज। तो जस्ट फॉर बॉम्बे, क्योंकि हम लोग वी कांट रियली ट्रैवल वेरी फार राइट नाउ, तो वी प्रोवाइड AMC सर्विसेज स्पेशली बिकॉज हमारा जो एंटायर स्टाफ है, एंटायर टीम है, वो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है, सबके डबल वैक्सीन हो चुके हैं। सो इट्स अ सेफर वे ऑफ यू नो मेकिंग श्योर योर टैंक इज क्लीन प्रॉपरली एंड दे कैरी देयर किट्स एंड एवरीथिंग, मतलब एकदम प्रोफेशनल वे में वो आपका टैंक क्लीन करके फिश रीएक्लिमेट करके ही जाएंगे। सो दैट इज़ अनदर ग्रेट फीचर वी जस्ट स्टार्टेड। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू मीट द एंटायर टीम ऑफ ड्रोगो पेट्स, जो ड्रोगो पेट्स को ड्रोगो पेट्स बनाई है। सो प्लीज़ मीट आर टीम। राइट से मैं इनका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। राइट में है, सबसे राइट में है मिस्टर डिमेलो, ये हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर हैं एंड बाकी सारी चीज़ को सुपरवाइज यही करते हैं। फिर ये जो दो ब्यूटीफुल ऑरेंज कपड़े में आप देख रहे हैं, ये हमारे हाइजीन एंड हाउस कीपिंग के एग्जीक्यूटिव्स हैं। उसके बाद ये जो तीन हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स, दिस इज़ आर एक्वा मैनेजमेंट टीम। ये बाकी सारी चीज़ें भी संभालते हैं बट एक्वेरियम्स में, एक्वास्केपिंग में ये बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड एंड टैलेंटेड हैं। बीच में है मिस्टर गणेश, साइड में है सूरज और एक साइड में है आकाश। उनके बाजू में आप देखेंगे लेफ्ट में, तो दिस इज़ मिस्टर ओवेस, ही इज़ कम्प्लीटली इन चार्ज ऑफ द बर्ड कीपिंग सेक्शन। बाकी चीज़ में भी ऑब्वियसली ये काफ़ी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड है, लेकिन सारे जो बर्ड्स हैं उनको ये ब्यूटिफुली संभालते हैं। एंड सबसे लेफ्ट में आप मिल रहे हैं, दैट्स मेलरीना। मेलरीना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर HR, फॉर मैनेजिंग द रिसेप्शन, फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री, सारी चीज़ें मिलके ये लोग सब ब्यूटिफुली, द एंटायर स्टोर इज़ रन बिकॉज ऑफ देम।
ये टीम की एक और खास बात है कि वी आर वेरी लकी, हमें ऐसे लोग मिले जो कंपैशनेट हैं टूवर्ड्स एनिमल्स. ये जेन्युइनली दे लव एनिमल्स. बहुतों के पास खुद काफ़ी सारे पेट्स हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लीनिंग या मेंटेनेंस में है. अब जैसे देखेंगे हमारी हाउसकीपिंग स्टाफ भी जो है वो क्लीनिंग व्लीनिंग सब करने के बाद भी एनिमल्स के साथ खेलेगी, टाइम स्पेंड करेगी. दे जेन्युइनली लव एंड केयर फॉर ऑल द एनिमल्स हियर एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन. ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है. दिस इज़ वॉट सेपरेट्स ड्रोगो पेट्स फ्रॉम अदर पेट स्टोर्स. यहाँ पे जेन्युइनली एक फैमिली है. दिस इज़ अ टीम वेयर वी केयर फॉर ऑल द एनिमल्स पॉसिबल एंड एक एक का ध्यान इन लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के करते हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी. आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव सच एन अमेजिंग टीम एंड दैट्स ऑल. तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि वॉट इज़ फिल्ट्रेशन एंड ये हम लोग क्यों कर रहे हैं. तो जैसे आप देखेंगे कि नेचर में जो होता है हम लोग उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं एट अ स्मॉलर स्केल. तो फर्स्ट थिंग इज़ जैसे हमारा वाटर सोर्स जो होता है तो जैसे माउंटेन टॉप से आता है तो दैट सोर्स हैज़ टू बी क्लीन क्लियर. तो जैसे स्नो मेल्ट होता है या जैसे भी आपका रिवर का सोर्स हो वो आता है तो क्लीन वाटर कम्स डाउन एंड देन दैट कीप्स फ्लोइंग. तो सेम वे जैसे मोस्ट फिश शॉप्स होते हैं या इवन मैनी पीपल एट होम, तो जो सोर्स होता है टैप वाटर आपका अच्छा हो, प्लस जैसे हमारे फैसिलिटी पे आरओ सिस्टम लगा हुआ है ऊपर, प्रॉपर आरओ प्लांट है तो उसके थ्रू वाटर आता है तो ऑलरेडी वाटर इज़ क्वाइट फिल्टर्ड. तो इट्स टेकन केयर ऑफ मोस्ट ऑफ योर मेटल्स. बट उसके अलावा भी हम लोग जैसे वाटर कंडीशन करते हैं. जो लोग के पास आरओ नहीं है डोंट वरी अबाउट इट. नॉर्मल बीएमसी वाटर या नॉर्मल वाटर टैप वाटर इज़ फाइन. उसमें जनरली हम लोग ऐसा टैप वाटर कंडीशनर यूज़ करते हैं विच बेसिकली हेल्प्स डीक्लोरिनेट एंड रिमूव ऑल द हैवी मेटल्स. वी ऑल्सो यूज स्ट्रेस कोट एनी थिंग लाइक दैट. ये भी जैसा है ये डीक्लोरिनेट ही करता है, मेटल्स निकालता है, प्लस दिस हैज़ सम एलोवेरा इन इट विच हेल्प्स क्रिएट अ स्लाइम कोट. तो आपकी जो फिश होती है वो स्ट्रेस में नहीं जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग वाटर चेंजेस. दिस इज़ वेरी वेरी गुड. वैसे क्लीन सोर्स से पानी आपका आ जाता है नेचर में. देन आप देखेंगे कि बहुत टाइम बाद भी द रिवर्स आर क्लीन, स्ट्रीम्स अब क्लीन ही है. ऐसा क्यों? एक तो सोर्स उनका क्लीन था, आफ्टर दैट इट गोज थ्रू वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल फिल्टर मीडिया. तो वो अलग अलग छोटा ग्रास के थ्रू जाता है, इट गोज थ्रू रबल, ग्रेविल, ड्रिफ्टवुड. तो ये सारी चीज़ें जो मिलके करती हैं वही सेम काम यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन सम कर रहा है. तो वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट इट इन अ स्मॉलर स्केल. तो इसमें मैकेनिकल फिल्ट्रेशन भी है, ऑर्गेनिक फिल्ट्रेशन भी है. तो सेम चीज़ें हम लोग वैसे कर रहे हैं, पीएच बैलेंस भी कर रहे हैं. तो जिधर ज़्यादा क्ले यूज़ हो रहा है लीव्स हम लोग डाल सकते हैं आलमंड के. तो बहुत सारी चीज़ें नेचर से ही हम लोग लेके इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं स्मॉल स्केल में और इसको हम लोग कॉन्स्टेंटली कॉन्फिगर कर सकते हैं. अब मैं इधर से आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है. यहाँ से आपका पानी इज़ कमिंग ऑल द वे हियर. यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज़ ड्रेनिंग फ्रॉम हियर. ये कॉर्नर से ये नीचे आ रहा है, ये देखिए ये फ्लो है वाटर का. तो वो पूरा रैक का पानी यहाँ नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से इफ वी गो दिस साइड ऑल्टरनेट होके यहाँ पे इसका ड्रेन है, यहाँ से नीचे आ रहा है. तो यू विल सी द फ्लो रेट ओवर हियर. फिर फाइनली ये जो हमारा थर्ड रैक है ये भी पूरा होके यहाँ पे हमारा फाइनल ड्रेन है. दिस इज़ कमिंग टू व्हाट वी कॉल अ फिल्ट्रेशन सम्प. तो फिल्ट्रेशन सम्प में जैसा देखेंगे कि पानी यहाँ ड्रेन हो रहा है, फर्स्ट हमारा जो है फिल्टर सॉक्स आता है. फिल्टर सॉक्स में जो मैक्सिमम डेब्री है या फूड पार्टिकल्स है या जो भी सॉलिड चंकी वेस्ट है वो उसमें कलेक्ट हो जाता है. तो दिस वी कैन ईजिली रिमूव फ्रॉम टॉप, क्लीन एंड री इंस्टॉल. सो इसको अगर आप एवरी 3 days या एवरी 7 days भी करेंगे तो एकदम अच्छे से मेंटेन रहता है. आफ्टर दिस इफ यू गो टू सी बेसिक आपका जो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है तो यू हैव योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंज ओवर हियर विच टेक्स केयर ऑफ बाकी जो आपके जो चंक्स है या फूड वेस्ट है वो सब भी इसमें आता है. यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है यूवी स्टेरिलाइजर. तो ये क्या है, बैड बैक्टीरिया जो है जितना हो सकता है ये कोशिश करता है कि उसको एलिमिनेट कर दे. ये जो है ये आपको फुल टाइम रन करना ज़रूरी नहीं है, दिन में 2 घंटे जनरली काफ़ी होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट, तो वो कैलकुलेट करना होता है. थंब रूल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये है कि 4 times द क्वान्टिटी ऑफ योर टैंक इज़ फ्लोइंग थ्रू पर आर. तो यहाँ से फिर अभी देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंज है, जापानीज वुल है. अगेन द कॉन्सेप्ट इज़ द सेम कि ये जो भी आपका डेब्री है वो सबको कलेक्ट कर रहा है. इसके आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ से आपका जो प्रॉपर फिल्टर मीडिया है वो शुरू हो रहा है. यहाँ पे सिरामिक रिंग्स हैं
तो ये जो होते हैं बहुत पोरस होते हैं, इनमें इंटरनल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. सो व्हाट इट डज इज़ यहाँ पे गुड बैक्टीरिया इसमें कल्चर होता है, वो ग्रो होता है. जितना गुड बैक्टीरिया ग्रो होगा वो बैड बैक्टीरिया को मारेगा. एंड सेम वे नीचे जा रहे हैं तो जापनीज वूल है. तो दिस डज अ फंक्शन ऑफ बोथ द थिंग्स. तो ये आपका बेसिक स्पंज फिल्ट्रेशन भी कर रहा है, बट इसमें भी इज अ लॉट ऑफ इंटरनल सर्फेस एरिया. तो गुड बैक्टीरिया ग्रोज इन साइड दिस. अभी फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट चेंबर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपके क्ले बॉल्स हैं या यू नो क्ले सिरामिक रिंग्स आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं. बायोहोम आप डाल सकते हैं एनोरोबिक फिल्ट्रेशन के लिए. तो हमारे पास सारे ऑप्शन है. वी कॉन्फिगर इट एज पर द स्पीसीज जो हम लोग रख रहे हैं, जितना उसका वेस्ट होगा. तो अगेन इसमें क्या है, इट इज़ डूइंग द सेम थिंग. इंटरनल सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुड बैक्टीरिया इसमें ग्रो हो रहा है, जो आपके सारे बैड बैक्टीरियाज को इट्स टेकिंग केयर ऑफ इट. इट इज़ डीनाइट्रीफाइंग, अमोनिया लेवल्स ड्रॉप कर रहा है. एंड अगेन दिस इज सेग्रीगेटेड हियर. नाउ ये जो मीडिया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो आपका जैसे K1, K3, K5, K9 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज आते हैं, ये जो बेसिकली ये दे आर ऑलवेज सर्कुलेटिंग. तो इनका जो फंक्शन है इट इज़ सिमिलर टू सिरामिक रिंग्स. जो सिरामिक रिंग्स कर रहे हैं ये वैसा ही फंक्शन कर रहा है. इसमें बहुत इंटरनल सर्फेस एरिया है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ ऑलवेज मूविंग. तो ये जितना मूव होता रहता है, जो उसका सेटलमेंट है बैड बैक्टीरिया का, जो डेब्री उसके ऊपर सेटल्ड है, वो उसको कॉन्स्टेंटली डिस्प्लेस करता रहता है. तो इट इज़ इन अ वे आप कह सकते हैं जैसे सिरामिक रिंग हो जो खुद को हर वक्त साफ कर रहा है, उस पर कोई भी सेटलमेंट नहीं होने दे रहा है. तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है. आफ्टर दिस चेंबर यू कैन सी द फाइनल चेंबर, जहाँ पे वाटर आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया है. दिस इज़ बीइंग पम्प थ्रू द पम्प. तो ये इस कैबिन के थ्रू होते हुए वापस से आप देखेंगे ये इट्स गोइंग थ्रू दिस प्लेस एंड इट्स कमिंग बैक हियर. तो आपके तीनों रैक्स आर कॉन्स्टेंटली बींग फिल्टर्ड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया. ये सम फिल्टर्स आई फील आर द मोस्ट इफेक्टिव. अब ये क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई भी मीडिया जो है आप कभी भी चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. कैनिस्टर में क्या होता है, आपको बार बार सब खोलना पड़ता है. उसमें जो मीडिया है वो लिमिटेड क्वांटिटी का आप डाल सकते हैं. मेरी पर्सनल चॉइस एंड फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज बीन सम फिल्टर्स. ये जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन ये देते हैं एंड इनको बनाना इज़ अ लॉट ईजियर, लॉट सिंपलर. तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड. स्पेशली अगर यू हैव टू मेनी स्पीसीज या मॉन्स्टर फिश टैंक बना रहे हैं जहाँ पे उनका बायोलोड बहुत ज़्यादा है, दे ईट अ लॉट यू नो एंड सम टाइप्स ऑफ मीट, सब टाइप्स ऑफ फिश एंड वो सब है, तो उसके लिए भी ये सम फिल्टर्स आर सुपर. इसके बाद देर आर कैनिस्टर फिल्टर्स, देर आर हैंग ऑन फिल्टर्स, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. सो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो डिफरेंट टैंक्स है ये सिर्फ ग्लास ऑन ग्लास सिस्टम है, तो काफ़ी डेलिकेटली इसको बनाया जाता है, जिस पे भी मैं एक सेपरेट हम लोग SJ एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. लेकिन जो बेसिक है कि पानी ये पास कैसे हो रहा है, तो वो आप आई एम श्योर ऑलरेडी जानते हैं. हर टैंक में देर इज़ अ होल ड्रिल्ड, लार्ज होल ड्रिल्ड, एंड उसमें जो सिस्टम हम लोग ने यूज़ किया है वो बेसिकली दोनों साइड से देर आर एक्रेलिक होल्डर्स एंड उसके अंदर एक्रेलिक की आपकी एक ग्रिल्स जो आती है वो स्लाइड होती है. ये दो साइड पर हम लोग क्यों रखते हैं कि कभी एक निकाल के साफ करें, स्टिल द फिश आर डिवाइडेड इन देयर सेपरेट टैंक्स. ऐसा नहीं है कि कुछ मिक्स हो जाएगा या एनीथिंग लाइक दैट. तो वी टेक दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ इन पर्सन कैसा लगता है. जैसे आप ये देख रहे हैं, आई जस्ट पुट माई हैंड इन एंड शो यू. तो ये देखिए, ये जैसा है, दिस इज़ अ डिवाइडर, वो साइड पे भी है. तो ये इसका ग्रिल है, तो इसको मैं ऐसे स्लाइड करके निकाल सकता हूँ. वी कैन वॉश दिस, एज यू कैन सी ये ऐसे ही क्लियर है काफ़ी, बट ये आप बाद में इसको आराम से इसमें यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन. ये आपका डिवाइडर हो गया. तो ये दोनों साइड क्या है, तो पानी का फ्लो भी नहीं रुक रहा है, एट द सेम टाइम फिश आर डिवाइडेड प्रॉपरली. सो बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन की. तो जैसे जो लोग के पास स्पेस नहीं है प्रॉपर सम बनाने के लिए, या दे डोंट हैव द टाइम टू मैनेज सम, एक्चुअली सम इज़ ईजियर टू मैनेज, बट उतना उनको डेडिकेशन नहीं है कि सेपरेटली कस्टमाइज करें एक सम, तो उनके लिए जैसे आपके एक्सटर्नल फिल्टर्स है, कैनिस्टर फिल्टर्स हैं, तो हमारे पास अलग अलग कंपनी के काफ़ी फिल्टर्स हैं. आपके पास हैंग ऑन फिल्टर्स भी हैं. इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज में यू कैन पुट योर ओन फिल्टर मीडिया ऑल्सो इनसाइड. अब फिल्टर मीडिया की बात करेंगे तो जो भी आपने हमारे सम्प में देखा वो हमारे पास अवेलेबल है, बट जनरली ये क्या है, बहुत बड़े पैक्स में आते हैं. तो वी डोंट वॉन्ट टू फोर्स आर कस्टमर्स कि आप 10 किलो का पैक लीजिए, इतना बड़ा पैक लीजिए. तो हम लोग इसको लेके इसको छोटे छोटे पैकेज भी बनाते हैं.
सो 500 ग्राम्स, 1 किलो, 250 ग्राम्स ऐसे भी आप हमसे लूज ले सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा सैम्पल. वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया जो हमने खुद छोटे छोटे पैकेट्स में डाले. या इट्स नॉट वेरी प्रेजेंटेबल राइट नाउ बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कैसे हैं. तो इधर आप देख सकते हैं कि आपके जैसे K1, K5, K9 ये सब भी हैं. आपके नॉर्मल क्ले चिप्स, ज़ियोलाइट, सिरेमिक रिंग्स, कार्बन, ऑल ऑफ दिस इज़ देयर. एंड आपके पास ये बहुत ही कूल प्रोडक्ट है. ये हमारा जैसे बायो होम में, आपका मरीन में भी है और आपके फ्रेश वाटर में भी है. ये दो प्रोडक्ट्स आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट एनारोबिक फिल्ट्रेशन मीडियाज. बहुत ही अमेजिंग है. कार्बन का मैं फिर से एक बार लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्बन जो है हमेशा लास्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन में ही यूज़ होता है. एंड एवरी टाइम यू आर मेडिकेटिंग, जब भी आप मछली को मेडिकेट कर रहे हैं, टैंक को मेडिकेट कर रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि आपने अपना यूवी और अपना कार्बन निकाल दिया है टैंक से. सो आप ये इसको निकाल सकते हैं सिस्टम से एंड देन यू कैन मेडिकेट द फिश. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कार्बन कैन एक्चुअली यू नो प्रिवेंट द मेडिसिन टू पास आफ्टर दैट. तो वो उधर ही उसको होल्ड कर देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ऑलवेज रिमूव द कार्बन बिफोर मेडिकेटिंग योर फिश. आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट. सो सर, फाइनली आज हमने फिल्ट्रेशन सिस्टम पर वीडियो बनाया. हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था ये ड्रोगोपेट्स का फिल्ट्रेशन सिस्टम. एंड बहुत ही सुंदर ढंग से आपने फिल्ट्रेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया. मेरे ख्याल से हमारे प्लेटफॉर्म पर ये ऐसा एक में वीडियो होगा जिसमें फिल्ट्रेशन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो मैं आशा करता हूँ हमारे सारे व्यूवर्स को बेहद पसंद आया होगा ये वीडियो, हमारे एवरी वीडियो की तरह. एंड मैं मेरे लिए बोलना चाहूँगा, बींग अ फिश कीपर, बींग अ हॉबीस्ट, एवरी टाइम जब भी मैं ड्रोगोपेच में शूट करता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपके थ्रू. सो सर, फिल्ट्रेशन सिस्टम का तो आपने बताया, बट एनी वन हु इज़ प्लानिंग टू मेक सम सिस्टम, कोई भी फ्यूचर में अगर बनाने का सोच रहा है, ये वीडियो देखने के बाद इंस्पायर हुआ होगा, उसे सही जानकारी मिली होगी तो वो सोच रहा होगा बनाने का, एनी टिप्स यू हैव, कोई पीस ऑफ सजेशन है आपके पास जो आप उनको देना चाहोगे कि क्या ठीक से कैसे करें और कैसे फिशेस को इंट्रोड्यूस करें अगर सम्प है उसके अंदर, तो ओवर टू यू सर. जी ज़रूर. फर्स्टली अगेन मैं कहना चाहूँगा थैंक यू SJ फॉर कवरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस हॉबी. काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुझसे 10 गुना ज़्यादा जानते हैं. देर आर लॉट ऑफ हॉबीज ऑलरेडी देयर इन इंडिया दैट आर डूइंग ग्रेट, बट बहुत लोग हैं जिनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए. वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग अपने तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वी आर ट्राइंग टू डू दैट. इन टर्म्स ऑफ टिप्स की बात करेंगे तो आज जो हमने एक्सप्लेन किया दैट कवर्स मोर और लेस मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन सिस्टम का. बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई बताना कि जब भी हमारा नया स्टॉक आता है, कोई भी नए फिश लॉट्स आते हैं, तो हम लोग ऐसे निकाल के उसको डायरेक्टली इसमें नहीं डालते. नाउ चाहे ये फिश शॉप हो, चाहे ये पर्सनल हॉबीस्ट हो, तो हमें एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जो लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं. वो है कि क्वारंटीन टैंक, हॉस्पिटल टैंक्स कहिए, जो भी आप उसको नाम दीजिए, पॉइंट इज़ कि जो अलग सेटअप हो, उसका फिल्ट्रेशन अलग हो, वो अलग यूनिट हो, कि जब नया फिश आए तो उसको आप पहले उसमें डालें. यू क्वारंटीन इट, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक उसको क्वारंटीन करें, मेक श्योर इट इज़ फाइन. बहुत सारे प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं टू एंश्योर उसको गिल फ्लूड्स में या यू नो एनी अदर वर्म्स हैं या एनी अदर पैरासाइट्स हैं, एक है कुछ भी है, तो वी टेक केयर ऑफ इट बिफोर यू इंट्रोड्यूस इट टू योर टैंक. 2 हफ्ते आप उसको अच्छे से रखिए, ट्रीट कीजिए, प्रॉपर यू नो गार्लिक इंड्यूस फूड दीजिए, जो भी है उसको एकदम सेट कर दीजिए एंड देन यू स्लोली इंट्रोड्यूस इट. प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोग जैसा सांप या ऐसा रैक सिस्टम बनाते हैं, अगर कोई बाई चांस डिजीज वाली फिश लाके मैं इसमें डाल दूँ, बिकॉज द सेम वाटर सर्कुलेटिंग फैल जाएगा. सो ये जाहिर सी बात है कि वेन यू गेट अ न्यू लॉट, चाहे घर पे हो चाहे आपके सेटअप पे हो, तो हमारे पास दूसरा पूरा सेटअप है वेर वी क्वारंटीन आ फिश प्रॉपरली, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं हम लोग बिफोर वी इंट्रोड्यूस इट. तो 2 हफ्ते वो वहाँ रहती है, फिर वो यहाँ आती है. ये प्रोसेस लंबा है, बट जब यहाँ से लोग फिश ले जाते हैं, वी आर श्योर कि वो सेटल्ड है, डिजीज़ फ्री है, एकदम लाइक परफेक्ट कंडीशन में. टाइम टेक्स लॉन्गर बट इट इज़ वर्थ इट. आपके पास भी जाके उसको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, बट स्टिल आपके पास जब जाता है, चाहे मुझसे हो या किसी से भी हो, वो एक प्रैक्टिस रखिए कि आप उसको अच्छे से क्वारंटीन कर सकें. आई थिंक दैट्स द नंबर वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव. ऑलराइट सर. सो फाइनली आज हमने ड्रोगोपेच पर फिल्ट्रेशन का वीडियो शूट किया. बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सो इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो.
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। एंड इनके टैंक ऑन टैंक सिस्टम पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में भी बहुत से लोगों ने बोला है। बट मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, जिन्होंने भी कमेंट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, सम फिल्ट्रेशन सिस्टम दिखाइए ड्रोकोपैच का, तो उन सबको आज का वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, नई जानकारी मिली होगी। और बने रहिए, बहुत जल्द हम लोग इनके कस्टमाइज सेटअप्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले। आप देखिए आपके सामने बहुत बेहतरीन यूनिक डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के सेटअप्स आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रोकोपैच पर। तो बने रहिए, उस वीडियो के लिए भी बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वो भी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करना चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। दिस वॉज द ड्रोकोपैच, इंडियाज़ बिगेस्ट एंड बेस्ट पेट शॉप।